आप लोग क्या तैयार हैं? सब लोग एक आवाज होकर बोलेंगे यस वी आर रेडी। अच्छा ये बताइए आप किस तरह का राउंड चाहेंगे? आप ऐसा राउंड चाहेंगे जहां पर आपका जो स्टेमिना है वो सर चढ़ के बोले, या आप चाहेंगे कि ऐसा राउंड हो जहां पर आपका टैलेंट सर चढ़ के बोले? ये बताइए स्टेमिना कितनी आप में से लेडी स्टेमिना का चाहती हाथ खड़ा करें। आज टैलेंट के लिए कितने वोट्स हैं हाथ खड़ा करें। टैलेंट में फिर आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, स्टेमिना में फिर आपने कोई गेम खेलना होगा। तो अब मेरा ख्याल है ऑडियंस से पूछ लें, ऑडियंस चॉइस से पूछ लें। ऑडियंस बताइए आपसे सवाल है, आप चाहते हैं एक जो भी हम कंपटीशन करें वो इनके स्टेमिना पर हो या इनके टैलेंट पर, अदाकारी के टैलेंट पर हो? सबसे पहले स्टेमिना पर कितने वोट्स हैं हाथ खड़े करें, और टैलेंट पे अदाकारी पे कितने वोट्स हैं? ओ यहां पर तो ऑडियंस ने पुकार लिया है कि इनको जरा सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप सब तैयार हैं? आप लोग सब तैयार हैं? जरा सोचो और सोचो, क्या आप लोग तैयार हैं? तो फिर आइए बहुत सी तालियों में इनके टैलेंट को परखते हैं, अदाकारी के मैदान में इनको देखते हैं, और आखिर में फैसला करेंगे कि कौन है जो वाकई यहां पर टैलेंटेड है और बहुत ही पुख्ता है। आप दोनों बहनें यहां बैठ जाएंगी क्योंकि आपके साथ अदाकारी का दूसरा सब यहां हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी यंग कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले आप लोग मैदान में आएंगी। इस कंपटीशन को हम नाम देंगे रोल मॉडल ऑफ अ डॉटर इन लॉ, यानी सबसे पहला जो मुकाबला है वो बहू का है, तो ताली होनी चाहिए। और दूसरा मुकाबला मदर इन लॉज का होगा। मदर इन लॉज में हमारी दो बहनें यहां पर हैं। अगर आप में से कोई और बड़ी उम्र की 50 साल से ऊपर अगर कोई बहन है तो वो इनके पास आकर इस सोफे पर आराम से बैठ सकती है जब तक मुकाबला ना शुरू हो, ठीक है? तो आप में से जो 50 साल से बड़ी बहन है वो आ सकती है इस मुकाबले में। ओके, तो हम शुरू करें अपना मुकाबला। बच्चे को बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप वॉलंटियर से, मैं गुजारिश करूंगा प्लीज आप बच्चे को जरा अपने पास रखने। बच्चे अलाउ नहीं है हमारे इस अरीना में, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए हम इजाजत दे देते हैं कि बच्चों को लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, आप उनको याद रखें। ओके कैंडिडेट नंबर वन, आप लोग सब तैयार हैं? ठीक है, तो अब आप लोग डॉटर इन लॉ का रोल करेंगे, ठीक है? आपके साथ मैं किसी भी अंदाज में अदाकारी करूंगा, ठीक है? और आप रिस्पॉन्स देगी अदाकारी ही में, ठीक है? और अगर आप अच्छी एक्टिंग कर जाती हैं तो आप मुकाबला जीत जाएंगी। जीशान अगर माइक तैयार है तो मैं चाहूंगा कि माइक आप मेरे पास लेकर आए ताकि रोल मॉडल बहू और सास का ये गेम हम अब खेल रहे हैं। सबसे पहले तो माइक सेट हो रहा है और उसके बाद आप लोग एक्शन में होंगे। सबसे पहले हमारी कैंडिडेट नंबर वन होंगी, आपका अदाकारी कई ऑनर्स मुझे भी मिलेंगे क्योंकि आप सबके साथ मैं अलग अलग अंदाज में अदाकारी करूंगा, ठीक है? और आप लोग भी अदाकारी में ही मुझे जवाब देंगे। जीशान जितनी जल्दी हो सके प्लीज तैयार कर देना। फॉर्चुनेटली आइए अब हम शुरू करते हैं। बच्चे को आप बोर्ड में ले लें और सबसे पहले आप हमारा यहाँ पर है, इनको अपनी गोद में ले ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना करें। गोद में ले लेना ताकि फिर आपकी एक्टिंग सही होगी, वरना हो नहीं सकेगी आप बच्चे में जो है वो। ओके आइए यहाँ पर है। ओके दिस इज अ कंपटीशन, आप एक्टिंग में ही जवाब देंगी और उस तरह से हम इस सीन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अरे भाई क्या हो गया है, तुम्हें मालूम है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आजकल वो बीमार है, लेकिन तुम उनकी खिदमत नहीं करते, उनके कमरे में नहीं जाते, उनका ख्याल नहीं रखते, आखिर क्यों कर रही हो इस तरह? तुम इतना तो काम करती हो सुबह से, कह कर के थक जाती हो, आपको क्या पता था ऑफिस में होते हैं। मतलब अम्मी रोजाना कंप्लेन करती है कि तुम उनके कमरे में आकर झांकती नहीं हो, हमेशा अपने कमरे में घुसी हुई टीवी लगाकर और बच्चे में बस घूमी रहती हो। मेरी अम्मी की वजह से तुम मेरी घर की जो है बेगम बनी, उनकी
बहुबली उन्हीं की तुम पसंद हो और आज तुम उन पर बहुतान लगा रही हो। मतलब देखो अगर अम्मी तुम्हें रिजेक्ट कर देती तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट कैंडिडेट। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है स्वीटी? अम्मी को बार बार परेशान है कि तुम उनका ख्याल नहीं रखती। हर वक्त तुम अपने कमरे में रहती हो, अपना वो गेम खेलती रहती हो जो टीवी पे होता है। Why are you doing such things? You think my mother is a liar? बहुत बुरी बात है। तुम्हें मालूम है अगर अम्मी की अगर मुझे ओके नहीं मिलता ना, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तो तुमसे मेरी शादी नहीं होती कभी। Oh my God, अब तुम इतनी बदल गई हो, फिर मैं अपनी मदर से बात मुझे करनी पड़ेगी। तुम्हें तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? अरे भाई, करता बस। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज आइए। ओके, याद रहे, कंसेप्ट में रहे, जो भी है ठीक है, मदर इन लॉ के साथ है और तमाम ऑडियंस यहां पर आपको जज कर रही है। सो बी समथिंग विच कम्स आउट विद अ पैगाम सबक, राइट? ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? जब शादी हुई थी तो तुम हर वक्त अम्मी की माला जपती थी कि ये मेरी आंटी नहीं है बल्कि मेरी माँ की तरह है, और आज हर वक्त तुम उनके साथ लड़ती रहती हो, तुम्हारे उनके साथ हमेशा अकेले रहते। कल अम्मी फूट फूट के रोई कि ये बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखती। आखिर तुम क्यों कर रही हो ऐसे? देखो देखो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, अम्मी वहां से आवाज दे रही है कि ये झूठ बोल रही है। 10 दिन से मेरे कमरे में नहीं आई, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? हमारे बीच में लड़ाई कर रही है, आवाज लगा रही है आप? नहीं, वो क्यों चाहेंगी? आखिर उन्होंने अपना बेटा इसी दिन के लिए जमा था कि उनका बेटा उनके साथ इस तरह से करे, उसकी बहू ऐसा करे। कल वो बहुत रोई, उन्होंने रो रो कर बोला, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पैदा किया था कि तुम्हारी बीवी से मुझे बातें सुनने को मिले? इससे रोती हूँ, अफसोस हुआ कि क्या आपने उन्होंने अपनी शादी आप मुझसे करवाई। तो अब उसका क्या हाल है? तुम अम्मी से बना के रखोगी कि नहीं? मुझे बताओ, मुझे बताओ। आपकी अम्मी बहुत ज्यादा ही फैशनेबल है, दोनों मेरे कहने पर जमा संभाल लेगा आपकी माँ। अल्लाह, काश तुम ये बात समझती कि कल को तुम्हारा बेटा होता और वो भी ऐसा करता तो क्या होता। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट कैंडिडेट। भाई क्या हो रहा है? भाई मैंने देखा कि कल तुम जोर जोर से अम्मी को जवाब दे रही थी और मेरी अम्मी चुपचाप खामोशी से खड़ी तुम्हारी बातों को सुन रही थी, तुम उनको ताने दे रही थी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कोई सवाल करेगा तो जवाब तो दूंगी। तो क्या सवाल किया था? सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि बर्तन में पानी गर्म करके मेरे दुसखाने में ले आओ, और तुम उनको जवाब देने लगे? हमारे घर में गीजर होता है, लगवा लो, ये सारे काम ही आते हैं मुझे। भाई तुम्हें मालूम है कि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर तुम ऐसी बातें करती हो? जब तुम देखो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी ना, तुमने कहा था मैं आंटी को अपनी अम्मी समझूंगी, अब तुम ऐसी बात कर रही हो? तुमने बोला नहीं था? तो बोला था मुझे। अच्छा, तो फिर इसका मतलब तुम और मैं अब साथ नहीं रह सकते? गो, वेरी गुड, नेक्स्ट कैंडिडेट, वेल डन। ओके, अब हमारी जो पहले रोल मॉडल बहू, उनका तो ये मुकाबला यहां पर हम तमाम करते हैं, उसके बाद फिर हम सासू माओ की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले इनमें से बताइए कौन सा रोल मॉडल बहू का लगा। रिमेंबर, रोल मॉडल मेरे इशारा क्या है, जिन्होंने भी अदाकारी की, सबसे पहले दिमाग में रखे कि क्वेश्चन क्या है, रोल मॉडल बहू, ठीक है? तो आप खड़े करके बताइए कौन सी आपको एक बेहतरीन रोल मॉडल लगी, कि बेहतरीन बहू ये है, बताइए। नंबर वन कैंडिडेट, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर वन, सफल, बहुत सी ताली है, बहुत सी ताली है, वेरी गुड, यू गॉट द कंसेप्ट, that's why you were able to get and win this prize. Kaisa feel ho raha hai tumhe?
वेल डन ऑल ऑफ यू, यू डिड वेरी वेल, मगर आप कंसेप्ट से भटक गए, इसलिए कहीं से कहीं निकल जाए, कंपटीशन में बता नहीं सके हम. वेल डन ऑल ऑफ यू, थ्री ऑल ऑफ यू, गो बैक ऑन योर सीट.